अच्छा एक बात तो हुआ क्या था वहाँ पर? अरे हुआ तो कुछ नहीं, अचानक ही गाड़ी गई। हाँ वो उसका रोड़ी का ट्रक, हाँ क्रेशर का, हाँ वो टायर बैठ गया, अंदर ही बैठ गया टायर बैठ था। तो फिर वो मैं बांधता हूँ रस्सी, मुझे घुसाओ अंदर, मैं बताता हूँ और पूरा पूरा है क्या उसके अंदर, अपनी फोन की फ्लैश घुसा के। हे गाइस व्हाट्सअप, कैसे हो सारे सारे, मैं आप सभी का भाई, आप सभी का दोस्त जुनैद कुरैशी आ गया हूं एक और नई वीडियो के साथ। तो पहले तो यार हैप्पी न्यू ईयर सभी को, मेरे जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं। और ये मत सोचना कि कोरोना चला गया, 2020 चला गया तो सब कुछ खत्म हो गया, सेफ रहना है आपको और स्टे सेफ स्टे हेल्थी। तो यार बाकी आज की वीडियो तो इस टॉपिक पर है। पहले तो मेरी बाइक वापस आ गई, आप मेरे मुँह पे फेस पे देख ही सकते हैं जो इतनी मुस्कान है किस वजह से है। और एक और जरा सूत्रों के हवाले से खबर आई है, सूत्र हमारे साथ ही हैं जिन्होंने हमें खबर दी है, जिनको भी आप जानते ही, आयुष शर्मा। हे गाइस, तो भाई बता गाइस, हमें थानों में जो हमारे जहाँ तक आप मोस्टली ब्लॉग हम वहीं करते हैं, तो गाइस थानों में एक जगह कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा था। कंस्ट्रक्शन वर्क चलते समय जो ट्रॉली वगैरह होती है ना, ट्रैक्टर ट्रॉली, तो कंस्ट्रक्शन साइट पे जा रही थी। तो हुआ क्या कि वो ट्रॉली ने एकदम से वो सीधा ज़मीन में घुसती चली गई। तो अभी तक तो ये पता लगा है कि वहाँ पर लगभग 40-45 फीट गहरा एक गड्ढा हो चुका है उसमें, और ट्रॉली उसके अंदर धस चुकी थी एक तरीके से, पर उसको अभी जेसीबी से निकाल दिया गया है जहाँ तक कि अभी हमें पता लगा है। बाकी अभी हम वहाँ पे चलते हैं और आपको वहीं जाके पूरा कन्फर्म्ड इन्फॉर्मेशन, वो भी जो हम ब्लॉग करेंगे वहाँ पर, तो ब्लॉग करेंगी तो आपको वहाँ पे कन्फर्म जो इन्फॉर्मेशन है वहाँ पे, मतलब ये भी आइडिया लगाया जा रहा है कि वहाँ पर जो दूसरी रोड है वहाँ पर अंग्रेजों की, मतलब जो ब्रिटिशर्स थे उनकी एक हवेली भी है। तो ऐसा भी हो सकता है कि उनकी कुछ खुफिया जो सीक्रेट जो गुफाएं होती थी पहले, वो भी हो सकता है, और पुराने प्राचीन जो वेल्स होते हैं, कुएं वगैरह जो भी होते हैं, छोटे छोटे पनघट वगैरह जो पानी का, वो भी हो सकता है। पर गाइस हमें कन्फर्म अभी वहीं जाके पता लगेगा, तो आप कनेक्टेड रहिए, देखते रहिए और आगे मिलते हैं। तो गाइस आप समझ रहे हैं ना, मतलब किस हिसाब से मजा आने वाला है। तो पहले मैं आपको अपनी गाड़ी से भी मिलवाता हूँ, और मतलब यार मैं आज ज़्यादा ब्लॉग ऐसे नहीं करूँगा कि ज़्यादातर रोड्स दिखाऊंगा, सीधा मैं आपको उधर ही लेके चलूँगा और थोड़ी बहुत वहाँ की रोड्स मैं आपको एंजॉय कराऊंगा, क्योंकि वहाँ की रोड्स हैं यार इस लायक की आप लोग देखो। तो अभी चलते हैं उधर ही और उसके बाद करते हैं आगे की बातचीत कंटिन्यू, वहाँ जाके देखते हैं क्या है क्या नहीं, तो दिखाते हैं आप लोगों को भी। तो बने रहो साथ में, एंड तक देखना इस वीडियो को। तो गाइस यहाँ से थानों, हमने मतलब थानों में आकर कैमरा ऑन इसलिए करा क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। तो ये थानों रोड है जो आप सब जानते ही हैं, कहानी वाला से जो आ रही है वहाँ पर, और अभी हम जाके दिखाएंगे आप लोगों को कहाँ पर है कहाँ पर नहीं है। चलते हैं फिलहाल, रोड जा रही है ये वाली शिवा फार्म रामनगर डांडा की साइड, और अभी यहाँ से थोड़ा सा आगे जाके और है, थोड़ा सा ऑफ रोडिंग है यहाँ पर, और मेरी गाड़ी का टायर भी थोड़ा सा ख़त्म है। थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा ख़त्म है। क्या किसका? और ये यहाँ पर एक और नुकसान होते हुए बहुत तगड़ा, भाई का फ़ोन गिर गया। अरे पावर बैंक गिरा, अच्छा हुआ बच गया बेटे फोन, थैंक यू भाई। अरे बहुत खतरनाक हो जाता फोन तो, अच्छा हुआ पावर बैंक गिरा गाइस। और गोलू अपनी बहन से पिटने के लिए तैयार है क्योंकि वो वीडियो देख लेगी, राखी देख ले, इसने पावर बैंक गिरा दिया। हाँ भाई, अच्छा कौन सा नाम था? 390 बाइकर्स पीछे नाम लिखा हुआ। अच्छा
रोको यार, दुकान पे पता कर ले अंकल से। अंकल पता कर, वो यहाँ पर जो गड्ढा हो गया था ना, कहाँ पे हुआ था नीचे वो गड्ढा हो गया था जो अपने आप? हाँ। कहाँ पर हुआ था? अरे ये भी बाहर रोड पे ही। अच्छा उनके घर पे जो घर बन रहा जहाँ पे वो बल्ली लगी हुई घर पे। हाँ। अच्छा अच्छा धन्यवाद अंकल जी। अच्छा अंकल जी, अच्छा एक बात तो होता, हुआ क्या था वहाँ पर? अरे हुआ तो कुछ नहीं, अचानक ही गाड़ी गई। हाँ। वो उसका गोड़ी का ट्रक। हाँ। क्रेशर का। हाँ। वो टायर बैठ गया वहाँ अंदर ही बैठ गया टायर बैठ था तो फिर वो तब देखा उन्होंने तो ऑफिस बंद कर पूरा। कितना कितना चौड़ा है वो? चौड़ाई नीचे से ज़्यादा है, ऊपर से हो गए 4-5 फीट। कुआं तो नहीं है? पता नहीं कुआं है क्या, पता लगाने वाले आए थे? आए हैं SDM तहसीलदार सारे आए। अच्छा साइंटिस्ट वगैरह आए थे? हाँ पता नहीं उन्हें होगा, पता आज भी आए थे, अभी देखते हैं। धन्यवाद अंकल जी। वहाँ पर है गोलू? जा नहीं सकते अब? कहाँ से जाएंगे? जाएंगे कहाँ से, आगे तो खेत है, खेत है आगे तो। तेरी बातचीत है? बातचीत मेरी तो अगर वो हो जाए तो जाऊँ। जा एक बार तू पता करके आ जा, तो पूछ तू पता करके आ जाऊँ जाके पीछे। तो गाइस अभी डेस्टिनेशन पे तो हम लोग पहुंच गए हैं और अभी पता लगा यहाँ से कि काफ़ी पुराना कुछ हुआ है यहाँ पर और आंटी जी ने जैसे कि अभी बताया हमें, तो आप लोगों को दिखा देते हैं हम। तो गाइस जैसे कि ये देख लग रहा है कि पुराना कोई मतलब बनाया तो नहीं गया है, बट ये हुआ कैसे आंटी? अच्छा 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 फिर मतलब पूरे ही अंदर घुस गया था, फिर खोदा कैसे इसको? खोदा नहीं, वो तो गाड़ी को अपना निकल गया। फिर आप लोगों ने देखा टाके? वैसे है तो बहुत खतरनाक है। कितना कितना लग रहा है ये? लगभग था और 2-3 दिन के बाद आज 31 के समथिंग है। अच्छा अच्छा भर रहा क्या ये गड्ढा? हो सकता है। तो भैया और कुछ बताओगे इसके बारे में? आपको क्या आईडिया लगा वाले आंटी, आपको लग क्या रहा है क्या होगा? 2-3 आदमी आके सर्वे वाले अभी तक आज भी आए थे, कोई पता नहीं लग रहा है क्या है। पता नहीं है, पता नहीं बड़ा बड़े तो नीचे से कोई क्लास के बाहर आ गया है। देखिए अंदर कैमरा लगा पहली कने रहे यूटी क्यों? ये तो मट्टी तो बहुत कम मना है, ट्रैक्टर गया होगा पहले भी, तो एक मकान बनी है पहले भी। अच्छा वैसे तो एक तरीके से आपको आपको ऊपर से मतलब ये हो गया कि कोई खुद नहीं गिरा इसमें, है ना, बहुत बड़ी चीज चली है तो कि पता लग गया पहले ही माल को टर्न डाउन था तो क्या पता नहीं पता भी क्या लग रहा था। ये की तरह थोड़ा इतना बड़ा मकान बनाया तो पहले भी तो लाए होंगे। हाँ अब वो तो रिसर्च करेंगे पूरे पे। पूरे पे रिसर्च होगी ना, और ना हो कहीं नीचे नहीं। बट आंटी एक बार आप खुद भी एक बार अपने घर में चेक करवा लेना किसी तरह, और ना कहीं हो आसपास, बाद में कहीं कुछ कोई गिर वगैरह जाए, खतरा तो कहीं भी रहता है ना। नीचे और चौड़ा है ये, थोड़ा ये चौड़ा है। और ये चौड़ा कितना है यहाँ तक? उसे टंकी तक बता रहे अंदर अंदर। तो गाइस आप लोग देख ही सकते हो अभी तो मतलब अंधेरा होने की वजह से दिख देख ही सकते हो अभी तो
मतलब अंधेरा होने की वजह से दिख नहीं रहा, और बाकी नीचे तो दिख रहा काफी चौड़ा है। नीचे लगभग 10 फीट के बाद इसकी चौड़ाई बहुत ज्यादा होगी, 40 फीट के बाद चौड़ाई शुरू होगी। 10 नहीं, इसकी लगभग 35 के बाद समथिंग चौड़ाई ज्यादा है। अच्छा। पहले जैसे जा रहे हैं 3x3 का गोलाई, इसके भाई मटके क्या कर रहे हो फैल रखा नीचे। अच्छा। तो गाइस जैसे कि आपने देखा, हम हमारे खुद होश उड़ गए देख के कि यार मतलब ऐसे कैसे हो सकता है कि कोई चीज़ स्टार्टिंग से ही ज़मीन से अंदर चली गई सीधा। और वैसे तो रिसर्चर्स ने बताया है कि यहाँ पर कोई अंदर कोई पत्थर पड़ा हुआ है, लेकिन दो बार उन लोगों ने हमको बताया कि दो बार आए थे, एक बार बताया कि पत्थर है और ये दूसरी बार बोल रहे हैं कि कुछ है ही नहीं, सिर्फ घास घास है नीचे। बट सोचने वाली एक बात है ना कि अगर जब वो घर पक्का बना था तब मतलब थोड़ा बहुत तो कुछ होगा ना नीचे, उन्होंने खोदा होगा या भरान करा होगा वहाँ का। तो यार वो कहाँ चला गया एकदम से नीचे, एकदम से वो तो पूरा ही समा गया। तो अभी जैसे कि पता लगेगा हमें दूसरी चीज़, जब पता लगेगी तब हम आएंगे यहाँ पर, और अगर पता लगी तो अगला पार्ट भी मैं इसका डालूँगा पक्का पक्का। तो गाइस अभी मैं आपको बात कराता हूँ गोलू से, ये बताएगा यहाँ के बारे में थोड़ा बहुत, इसने अभी इधर उधर जाके लोगों से पूछा है। सो गाइस जैसे कि यहाँ पर मेरे रिलेटिव समझ लो मेरे अंकल ही हैं, तो वो ऐसा आइडिया लगा रहे हैं, मतलब लोगों का अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू है। जो सर्वे ऑफ इंडिया मतलब जियोलॉजिकल जो साइंटिस्ट होते हैं, उन्होंने जब लोगों से यहाँ इंस्पेक्शन कराया है तो उससे पता लगा है कि ये कोई ऐसा पुराना कुआं भी हो सकता है, और ऐसा भी हो सकता है इसके। बट यार गोलू एक बात बता, अगर वो कुआं होता तो यार कुएं में स्टार्टिंग में तो कुछ होता ना, मतलब ईंटें वगैरह लगी हुई होती है। पुराना जो ऐसा भी होता है, पुराने लोग क्या करते थे, वो इतना उन्हें तो केवल नीचे बोरिंग करनी है, खुदाई करनी है थोड़ी, जहाँ पानी मिला और उस पानी का यूज़ कर लिया, उस टाइम तक ऐसा नहीं होता था। तो यार गाइस जैसे कि आप लोगों ने देखा अभी यहाँ पर और रिसर्चर्स आएंगे, अभी वहाँ उन लोगों से पता लगेगा हमको, और जैसे भी हम लोगों को पता लगेगा हम सीधा वापस इधर ही आएंगे और देखेंगे। अगर पता लगता है तो हम दूसरा पार्ट डालेंगे इसका, है ना गुल्लू। पर अब देखते हैं अगर इसको सील टाइप का, अगर जैसा होता है बिल्कुल रिस्ट्रिक्शंस गवर्नमेंट ने अगर लगा दी इस एरिया पे, पर ऐसा भी हो सकता है उसके आसपास जो मकान है उनको बहुत ज़्यादा रिस्क है इस चीज़ से, क्योंकि वो तो है ही, क्योंकि वो बताया जा रहा है कि 30 फीट के बाद उसका जो एरिया है नीचे से वो बहुत ज़्यादा अंदर मतलब साइड से फैलना शुरू हो गया। उससे ऐसा होता है कि अंदर अगर वो मॉर्चर वगैरह कुछ भी डालने हैं कंस्ट्रक्शन का, कंक्रीट वगैरह, तो उन्हें लिक्विड फॉर्म में डालना पड़ेगा, क्योंकि लिक्विड फॉर्म में तब पता लगेगा अंदर। पर ऐसा भी हो सकता है कुछ मिस्ट्रिकल, अगर हम अपने पुराणों के वैसे हिसाब से देखें, मतलब प्राचीन तरीक़ों से देखें, तो ये कुछ रहस्यमय हो सकता है कि अब इसके अंदर मतलब पता लगेगा कि या तो उस चीज़ का मतलब एक टाइम आ गया है कि मतलब उस चीज़ को शो होना है। गाइस मैं बता रहा क्या करते हैं यहाँ पे, मैं बांधता हूँ रस्सी, मुझे घुसाओ अंदर, मैं बताता हूँ और पूरा है क्या उसके अंदर, अपनी फ़ोन की फ्लैश घुसा के। तो गाइस अगर हमें अभी तक तो इतना वो भी मतलब इतना हमें सब विजन है नीचे देखने के, पर हम अपना प्ले व्लॉग जो हमारे पास एक कैमरा पड़ा हुआ है, हम सोच रहे हैं उसको डाल लें। बट यार गाइस हमारा परमिशन मिले, हमें अभी परमिशन नहीं है किसी चीज़ की, हमें घर से खबर मिली और हम सीधा घर से आ गए आप लोगों को दिखाने के लिए, क्योंकि ये चीज़ है देखने की। और तो यार आप लोगों ने देखा ही, और अब बात करता हूँ मैं अपनी गाड़ी की। तो गाइस ये है मेरी बाइक जो कि आ चुकी है शोरूम से ठीक होकर। अब गाड़ी के साथ मेरा ये हुआ कि एकदम से मतलब शोरूम से कॉल आई कि सर आपकी बाइक होगी, और मैं एकदम से गाड़ी लेने आ गया यहाँ पर, मतलब शोरूम में पहुँच गया, मतलब एकदम से व्लॉग नहीं कर पाया ना कुछ कर पाया, क्योंकि खुशी अंदर से इतनी थी ना कि गाड़ी लेके आनी है, फटाफट गाड़ी लेके आनी है। तो मैं सीधा निकल गया गाड़ी लेने, और गाड़ी ली मैंने वहाँ से आ गया। अब गाड़ी बिल्कुल ओके हो चुकी है, थोड़ी बहुत वाइब्रेशन है वो तो सब में ही होती है, देखो अब थोड़ी बहुत वाइब्रेशन है वो टाइट करवा लेंगे कभी भी जब टाइम मिलेगा, गाड़ी तो अपने साथ है ना, व्लॉग टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। और गाइस जैसे कि आप लोगों ने देखा ही यार, आज का व्लॉग काफ़ी इंटरेस्टिंग था, और एक नई चीज़ मैंने आप लोगों को दिखाई, तो इसी बात पे लाइक तो बनता है ना यार, लाइक कर दो लाइक कर दो ना यार, और जिसने सब्सक्राइब नहीं करा सब्सक्राइब भी कर दो, भाई का चैनल है तुम्हारे छोटे, कर दो यार। तो गाइज इसी के साथ करते हैं वीडियो को एंड, यहाँ से चलते हैं अभी घर वापस, भूख लग रही है यार बहुत तेज, जैसे ही मैंने खबर सुनी और मैं सीधा आ गया इधर, तो अभी चलते हैं घर यहाँ से वापस। तो इसी के साथ करते हैं वीडियो को एंड, मिलते हैं फिर किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।